कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई हो जाता है वहां पर, तो प्रश्न उठता है कि क्या परिवर्तन होता है उस व्यक्ति में। तो मूल बात यह है कि परिवर्तन यह होता है कि जब वो पहले था जैसे कोई मीजो कैसा था जब वो ईसाई नहीं बना था, कोई नगा कैसा था जब वो नहीं बना था, या अरुणाचल में जो इतने सारे समाज हैं वो कैसे थे, मेघालय में खासी हैं और लोग हैं वो कैसे रहते थे। तो ये सारे के सारे हमारे व्यापक हिंदू समाज का एक हिस्सा थे, क्योंकि ये सब मूलतः प्रकृति पूजक थे। प्रकृति में इनका बहुत विश्वास था, तारों को, सूर्य को, चंद्रमा को, नदी को, पर्वत को, वन को, पशुओं को, सब में देवत्व को देखते थे, सबकी पूजा करते थे, और प्रकृति के साथ इनका सामंजस्य होता था। जैसे हम प्रकृति को माँ कहते हैं वैसे ही वो भी उसको माँ मानते। लेकिन जैसे ही आप ईसाई बनते हैं, इन सब में से देवत्व का भाव समाप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, ये सब आपके शत्रुवत हो जाते हैं। पर्वत को लूटना है, वन को लूटना है, पशुओं को मारना है, जो भाव हमारा गंगा नदी को लेकर होता है, जो श्रद्धा हमारी होती है, वो एक ईसाई में कभी उपज ही नहीं सकती श्रद्धा। तो पूरे पूर्वोत्तर भारत में जो लोग रह रहे थे, उन्हीं पूर्वोत्तर भारत के उन क्षेत्रों से उनका उस प्रकार का श्रद्धा का जो भाव था वो समाप्त हो गया। श्रद्धा का भाव समाप्त हुआ तो समाज में भी एक तरह का निकटता थी, लगाव था, प्रेम था, वो भी समाप्त हो गया।